नाम तो सुना होगा। अब ये पार्ट टू है। फर्स्ट में हम लोग पूरा पीसीबी के पूरा वायरिंग के ऊपर बात किए थे, अब हम लोग से कंट्रोल वायरिंग के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लड़के लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, ओके। तो क्योंकि बहुत सारे साइड पेस की जरूरत होती है कंट्रोल वायरिंग के ऊपर, तो एक बात करते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं UVM से। हमने बता दिया था, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको डायग्राम में नज़र आएगा। जब डायग्राम देखेंगे तो आपको डायग्राम नज़र आएगा। तो डायग्राम में आपको UVM ऑप्शन दिखेगा, UVM ऑप्शन, ओके। अगर UVM नहीं है, अगर UVM नहीं है तो आपको वहाँ पर जो टर्मिनल 1A और 1 में जम्पर होता है, देखो UVM और है। कुछ लोग बोलेंगे कैसे नहीं होगा, लेकिन होता है कुछ ऐसी भी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। और डायग्राम में इसलिए मेंशन भी किया है UVM जम्पर, ओके। अगर नहीं है तो ओके, और है तब क्या करना है, ओके। यहाँ दिखो दिया हुआ, ओपन रहता है वो, ओपन, रिमूव जम्पर। अगर UVM है तो जम्पर को निकालना है। तो टर्मिनल 1 और 1A में आपका UVM का वायर जाएगा, यानी 3-phase UVM को मिल गया ऊपर में जो इनपुट 3-phase L1 L2 L3। बाद में नीचे में जो UVM का आउटपुट जो है उसमें से भी 3 वायर निकलता है, NO, NC, कॉमन, ठीक है, NO, NC, कॉमन। तो उसमें से जो NC है, जब फेस ओके है, सब कुछ ओके है, प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज ओके है, तो जिसमें कंटिन्यूटी बताए वहाँ से 2 वायर लेके एक आपको टर्मिनल 1 और दूसरा 1A में लगाना है, ठीक है, उसको फिर आपको लगाना है जिसमें कंटिन्यूटी बताए, ओके। ये आपका हो गया UVM का। नीचे जाएंगे, ये क्या है, यूनिट ऑन इंडिकेशन ऑप्शन, हाँ, यूनिट ऑन, यूनिट जब ऑन रहेगा तो 45-46 में आपको कंटिन्यूटी बताएगा। इसके लिए जो रिले इस्तेमाल किया है वो एक्सिलरी रिले 1, उसका जो नंबर है रिले, लेकिन 45-46 में आपको यूनिट ऑन यानी उसमें कंटिन्यूटी बताएगा, ओके, ओके। बाद में ब्लोअर रन ट्रिप इंडिकेशन ऑप्शन, ये वाला ब्लोअर रन, उसके लिए जो इस्तेमाल किया है वायर नंबर 48-49 ब्लोअर रन। जब ब्लोअर मोटर चलेगा, ब्लोअर चालू रहेगा, तब आपको ब्लोअर कॉन्टेक्टर जब एनर्जाइज रहेगा तब आपको 48-49 में कंटिन्यूटी बताएगा, लेकिन ब्लोअर मोटर जब ट्रिप रहेगा तब आपको 51-52 में कंटिन्यूटी बताएगा। ये वायर कहाँ से आ रहा है बता भी रहा है वो, ये वायर आपका आ रहा है ओवरलोड से आ रहा है, OLR ओवरलोड रिले से आ रहा है, ठीक है, ओके। और ये आपका आ रहा है ब्लोअर मोटर का कॉन्टेक्टर का एक्सिलरी से आ रहा है, ओके, ओके। ये हो गया। बाद में आप यहाँ पर आ जाइए, इसको भी बता दिया था लेकिन फिर से, क्योंकि ये सब इसमें शॉर्ट में मेंशन किया है, बाकी डिटेल इसमें है आपको, ठीक है। ये है स्मोक डिटेक्टर ऑप्शन। अगर स्मोक डिटेक्टर नहीं है तो 1A और 1B में जम्पर चाहिए, यहाँ दिया 1A 1B में जम्पर चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर है तब आपका 1A 1B में रिमूव जम्पर 2, जम्पर 2 है उसको निकाल दीजिए, और स्मोक डिटेक्टर का 2 वायर जो है एक यहाँ लग जाएगा, वो यहाँ लगेगा, अब वो क्लोज होना चाहिए, प्रॉब्लम पे वो ओपन हो जाएगा, ओके, ओके। जम्पर का मतलब ही है वो क्लोज होना चाहिए, ये स्मोक डिटेक्टर का हो गया। बाद में नीचे आइए, क्या है, कंप्रेसर रन ट्रिप एंड यूनिट ट्रिप इंडिकेशन ऑप्शन, ठीक है। यूनिट ट्रिप यानी जब यूनिट ट्रिप कर जाए तब आपको किस में कंटिन्यूटी बताएगा, वो बताएगा आपको 43-44 पे। मैंने बताया था, देखो 41A 41A या 41B कहाँ पर इस्तेमाल किया है वो, यही वाला जो मैं बता रहा था, X1 X2, 41A 41B, ये निकल रहा है वो DDC BMS के लिए, ओके। तो वो वायर निकल के कहाँ लगाया, ECB इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड से निकल रहा है वो 41, यहाँ से निकला, यहाँ से निकल के FR फॉल्ट रिले 1 में उसके कॉइल में जाएगा, उसके कॉइल में जाएगा, क्योंकि 41A जो फेस है जब ट्रिप किया तो उसमें फेस आ गया, ये आपका 2 लग गया, सेम वही कॉन्टेक्टर के जैसे, तो ये काम करना शुरू किया। बाद में NO NC जो लेना वहाँ से ले लो, ठीक है, ले लिया। 2 का भी सेम है, 41B
जब ये ट्रिप किया सिस्टम टू, तो आपको 41B में फेस्ट आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर आपने फॉल्ट रिले टू को आपने न्यूट्रल दे दिया तो वो काम करना शुरू हो जाएगा। ओके, बाद में यहाँ नॉर्मली ओपन से लेना है, दोनों का ओपन है, FR1 फॉल्ट रिले 1 और फॉल्ट रिले 2 दोनों के बीच में एक जंप, हाँ दोनों को एक वायर लगाया है और नॉर्मली ओपन से लेके 43 को दिया है, यहाँ पर आपको लेके 43 को दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको कंटिन्यूटी बताएगा जब ट्रिप कर जाएगा था 43-44 में। अब आए हम लोग इस पे कंप्रेसर ट्रिप, कंप्रेसर ऑन, कंप्रेसर जब ऑन रहेगा 55 और 56 में कंटिन्यूटी बताएगा कंप्रेसर के लिए, और जब ट्रिप कर जाएगा तो 55-58 में कंटिन्यूटी बताएगा। ओके, जब ऑन है तो 55-56 में बताएगा, जब इसमें बताने का मतलब है कि दूसरा में नहीं बताएगा, ये बात ध्यान रखो, फिर उल्टा हो जाता है, जो एनओ एनसी होता है एनसी एनओ हो जाता है, जब इसमें बताएगा तो फिर इसमें नहीं बताना चाहिए, तो इसमें नहीं बताएगा, जब इसमें और इसमें बता रहा ट्रिप में तो फिर इसमें इसमें नहीं बताएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया कंप्रेसर वन का, कंप्रेसर वन का 55-56, कंप्रेसर टू का 55-56, सॉरी 58 है। ओके, नंबर टू का 60-61 रन के लिए है, जब कंप्रेसर टू चलेगा तो 60-61 में कंटिन्यूटी बताएगा, फिर ट्रिप करेगा अगर कंप्रेसर टू तो 60-63 में आपको ट्रिप, ये दोनों में आपको कंटिन्यूटी बताएगा। ओके, ओके, डर्टी फिल्टर इंडिकेशन ऑप्शन है ये, फिल्टर के लिए अगर ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंशियल स्विच इस्तेमाल कर रहा है तो उसका जो वायर है फिल्टर इंडिकेशन के लिए 134 135 फिल्टर डर्टी का इंडिकेशन के लिए, ओके 134 135। ओके, बाद में ऊपर में क्या है, कनेक्शन फॉर स्क्रॉल कंप्रेसर विथ SSPS, अगर SSPS है तो क्या करना है, सेम 24 और 25 है वो यही याद रखिए, 24 25। तो SSPS का कनेक्शन जो क्या होता है, दो तीन टाइप का SSPS आता है, लेकिन इस मॉडल में जो PY PCY PNY में जो जामिल यूज करता है और PMY में, उसमें एक एक SSPS में थ्री फेज भी चाहिए, बाद में 220 भी अलग से चाहिए फेस न्यूट्रल, और बाद में आपका कंट्रोल NONC चाहिए, लेकिन इस मॉडल में आपको सिर्फ क्या चाहिए, देखो ATB1 ATB2 यानी कि 220 चाहिए, वहाँ लिखा हुआ L1 L2 SSPS के ऊपर, तो जहाँ SSPS के ऊपर L1 L2 लिखा है वहाँ 220 दे दो, यानी एक फेस एक न्यूट्रल। अब बाद में उसी SSPS में मेंशन है M1 M2 या 11 14, दोनों में से कोई भी नंबर, ये दोनों से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, M1 या 11 M2 या 14, ठीक है, तो वो आपका M1 में 24 और ये आपका 24, ये नॉर्मली जब आपका वोल्टेज अवेलेबल होगा नॉर्मल सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिस्टम में तो क्लोज कंटिन्यूटी दिखाएगा 24 और 25 में, अब वो वायर आपका यहाँ लगेगा सीरीज में। ओके, बाद में कंप्रेसर वन का, कंप्रेसर टू का सेम ही है, सेम नंबर है, ठीक है, हो गया ये। बाद में यहाँ पर एक आपका NTIS मैंने बताया था, वो नहीं बताया क्योंकि ऑप्शनल है ये, ठीक है, NTIS ऑप्शन मौजूद है, फिर वही है यहाँ पर देखो क्या है, 22 नंबर लेके गया है कहाँ पर, यहाँ देखो 22 नंबर 2LP स्विच ECB कंट्रोल बोर्ड, यानी ECB इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड। ओके, तो 22 नंबर LP स्विच है, LP स्विच से निकला 23 नंबर और 23 नंबर निकल के गया NTIS का एक वायर यहाँ लगा, NTIS का दूसरा वायर निकल के यहाँ लग गया PCB में चला गया, सेम मैंने बताया था आपको पहला फर्स्ट वीडियो में, PCB से 22 नंबर निकलेगा LP में जाएगा और LP से निकल के अगर NTIS है तो NTIS में लगा दो और दूसरा वायर निकाल के सीधा डाल दो। ओके, तो दोनों का सेम है, ये भी हो गया वो भी हो गया। ओके, बाद में DP स्विच का जो सेटिंग है, DP स्विच का सेटिंग वही है जो DP स्विच का, S1 नीचे रहेगा नीचे की तरफ, S2 ऊपर की तरफ, S4 नीचे की तरफ और S3 सोलेनाइड वाला है तो ऊपर की तरफ, नहीं है तो नीचे की तरफ, ठीक है। ओके, दिखा हुआ S फर्स्ट वाला क्या है, जो फर्स्ट वाला S1 ऑन टेस्ट मोड इनेबल, ओके ऑन कंप्रेसर वन लीड ऑन विथ पम्प
डाउन ऑप्शन ऑन सिंगल स्टेज, ये आपका हो गया। ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना है, थैंक यू। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJADMJ मिला के लिखें और सर्च करें और यहां से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।